दोस्तों वेलकम है एक बार फिर से आपका अपने चैनल टेक्निकल विशाल 07 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर चैट के एक बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शेयर चैट पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है जो कि दोस्तों अभी फ़िलहाल उसे 2 दिन हुए हैं और वो जो अपडेट है इस समय दोस्तों टेस्टिंग वर्जन में चल रहा है। हमारे पास दोस्तों वो अपडेट आया है टेस्टिंग के लिए, आपके पास भी आया होगा, हो सकता है 2 से 3 दिन में सभी लोगों के पास आ जाए। तो दोस्तों वो अपडेट क्या रहने वाला है, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे क्या क्या होगा, दोस्तों वो अपडेट देखने में कैसा है, कौन सा अपडेट है, इससे दोस्तों आपकी प्रोफाइल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर आप क्रिएटर हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर दोस्तों आपकी नॉर्मल प्रोफाइल है तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों इन सभी बातों का जवाब दोस्तों मैं दूंगा आप सबको आपके अपने चैनल टेक्निकल विशाल 07 में। तो जो भी बंदा हमारे चैनल पर नया आया है तो दोस्तों उसको मैं बताना चाहता हूँ कि शेयर चैट की इन्फॉर्मेशन देने वाला सिर्फ एक ही चैनल है जो कि दोस्तों हमारा चैनल है और सबसे पुराना चैनल भी हमारा ही है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सब लोगों को मैं बताता हूँ शेयर चैट स्ट्रीक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, अब तक आपने स्नैपचैट स्ट्रीक्स सुनी होगी लेकिन दोस्तों इस समय शेयर चैट स्ट्रीक्स भी आ चुकी हैं। शेयर चैट का एक नया अपडेट आ चुका है तो मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तब तक के लिए आप सभी लोग कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। चल तो दोस्तों इस समय जो है आप सबसे पहले ये देखिए कि मेरे मोबाइल में टाइम क्या हो रखा है। जी हाँ दोस्तों, मेरे मोबाइल में टाइम हो रखा है 2:48 AM दोस्तों, आधी रात को दोस्तों, आधी रात से भी ज़्यादा रात सुबह ही हो चुकी है। आप सबके लिए दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज़ इस बात के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक स्टार सा दिखाई देगा। जैसे ही आप अपनी जो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आप सब लोगों को एक स्टार यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मेरे यहाँ पे 2 स्टार हैं, आप सबके यहाँ पे हो सकता है 3 हो 4 हो या 5 6, वैसे 6-7 से ज़्यादा स्टार किसी के नहीं होंगे। आपके कितने स्टार हैं आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम जान लेते हैं ये स्टार है क्या। ये स्टार है स्ट्रीक्स। जी हाँ दोस्तों, ये स्टार क्या है, स्ट्रीक। अगर आप सब लोग स्नैपचैट चलाते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम किसी फ्रेंड को एक फ़ोटो भेजते हैं, डेली उसे फ़ोटो भेजते हैं, 24 घंटे के अंदर 1 2 3 4 5 लगातार दिन फोटो भेजते हैं, तो वहाँ पे फ़ोटो भेजने के बाद क्या होता है कि उसकी और आपकी एक स्ट्रीक शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, वो 1 2 3 4 होती होती काफ़ी लंबी भी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आप सब लोगों को क्या करना होता है कि डेली उस बंदे को फ़ोटो भेजनी होती है, स्ट्रीक कुछ भी भेजना होता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखा देते हैं, अब आप हैं 1 स्टार स्ट्रीकर। जी हाँ दोस्तों, अब आप हैं 1 स्टार स्ट्रीकर। बधाई हो, आपने इस सप्ताह की स्ट्रीक्स को पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, डेली टास्क एक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ और स्ट्रीक्स करें। और स्ट्रीक्स करने के लिए आपको पोस्ट करनी होगी, लेकिन दोस्तों स्ट्रीक्स के बारे में अधिक जानकारी अगर आपको जाननी है तो आपको आगे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हमारे जो है मोबाइल की स्क्रीन दोस्तों आ चुकी है और मैं आप सब लोगों को पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे स्ट्रीक्स जो हैं दोस्तों हमारे पास 2 तरह की हैं। पहली है डेली स्ट्रीक और दूसरी है वीकली स्ट्रीक। वीकली स्ट्रीक क्या है मैं आप सब लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। वीकली स्ट्रीक लगातार वीक्स की संख्या है जिसमें आपके कंटेंट बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, वीकली स्ट्रीक दोस्तों उन दोस्तों जो है वीक्स की संख्या है जिसमें आपने लगातार कंटेंट बनाए हैं। उदाहरण के लिए आप 4 वीक से लगातार कंटेंट बना रहे हैं तो आपकी जो है सभी 4 वीक की कम से कम 3 पोस्ट तो आपके पास 4 वीकली स्ट्रीक्स होंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास, तो यहाँ पे मेरे पास 2 स्ट्रीक्स हैं, मतलब मैंने 1 पोस्ट जो है पिछले हफ्ते बनाई और 1 पोस्ट उसके बाद बनाई। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास जो है ऐसे हो जाएंगी वीकली 4 स्ट्रीक्स अगर आप एक हफ्ते में हर रोज, ठीक है दोस्तों, एक हफ्ते में 3 दिन लगातार 3 पोस्ट करते हैं तो आपकी वो 4 हो जाएगी स्ट्रीक। अब दोस्तों आगे देखिए, आगे क्या है, वीकली स्ट्रीक्स हो गई, उसके बाद है डेली स्ट्रीक्स। डेली स्ट्रीक लगातार दिनों की संख्या है। जी हाँ दोस्तों, डेली स्ट्रीक जो है वो लगातार दिनों की संख्या है। जैसे कि 30 दिन लगातार आपने पोस्ट डाली तो आपकी होगी 30, 60 दिन लगातार डाली आपकी होगी 60, 1 साल डाली तो आपकी होगी 365। जी हाँ दोस्तों, ये जो है डेली स्ट्रीक है। डेली स्ट्रीक लगातार दिनों की संख्या है जिसमें आपने कंटेंट बनाए हैं। उदाहरण के लिए अगर आप लगातार 10 दिनों से पोस्ट बना रहे हैं तो आपकी
10 दिन में हर दिन कम से कम 1 पोस्ट बनाए तो आपकी डेली स्ट्रीक हो गई 10। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा 10 दिन लगातार आप एक एक पोस्ट बनाते हैं तो आपकी डेली स्ट्रीक हो गई 10। उसके बाद है माइलस्टोन। जी हाँ दोस्तों, माइलस्टोन होते हैं एक अचीवमेंट की तरह होता है माइलस्टोन, उस वो आपको मिलेंगे हीरो। ये जो है माइलस्टोन है ये 2 तरह के होते हैं, पहला है हीरो और दूसरा है सुपरस्टार। उस वीक की स्ट्रीक हासिल करने के लिए हीरो मिलेगा दोस्तों उस वीक की, पूरा हफ्ता आपने जो है पोस्ट बनाई और आपको मिल गया हीरो, आप बन गए हीरो, आपको मिल गया हीरो माइलस्टोन। उसके बाद दोस्तों सुपरस्टार, हीरो उन लोगों को मिलेगा जिसने दोस्तों जो है टारगेट पूरा किया। टारगेट क्या है, 1 हफ्ते के अंदर 3 पोस्ट, वो बन गया हीरो। उसके बाद दोस्तों सुपरस्टार सोमवार से रविवार तक लगातार 7 दिन पोस्ट करने के लिए, सुपरस्टार वो बंदा बनेगा जो सोमवार से शनिवार तक लगातार दोस्तों 7ों दिन पोस्ट करेगा, वो बंदा कहलाएगा इनके हिसाब से सुपरस्टार। उसके बाद लंबी वीकली डेली स्ट्रिक्स बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए दोस्तों आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। आपकी रुचि में सुधार करता है और वायरल होने की संभावना बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी पोस्ट जो है वायरल होने की संभावना बढ़ जाती है, पहले से जुड़े हुए यूज़र्स के साथ एक्टिव रूप से जुड़ने में मदद मिलती है। आपके जो पहले से जुड़े हुए यूज़र हैं वो आपको एक्टिव देखेंगे हर रोज़, तो आपकी पोस्ट को ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और दोस्तों आपकी जो पोस्ट को शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद अगर आप 1 वीक में कंटेंट बनाने से चूक जाते हैं, अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप किसी हफ्ते में कंटेंट बनाना भूल गए, मान लीजिए आप बीमार हो गए, 7 दिन आपने कंटेंट नहीं बनाया, ठीक है, तो आपकी जो है जो स्ट्रीक्स है वो 0 हो जाएगी। आपकी डेली स्ट्रीक्स 0 पर कब रिसेट होगी, अगर आप दोस्तों हर रोज़ कम से कम एक अच्छी क्वालिटी की पोस्ट नहीं बना रहे हो तो आपकी जो डेली स्ट्रीक है वो टूट जाएगी, वो फिर से 0 हो जाएगी। ठीक है, वीकली स्ट्रीक्स के लिए अधिक अवधि की मान्यता क्या है, ठीक है दोस्तों 7वां सवाल है, जो वीकली स्ट्रीक होती है उसके लिए अवधि क्या है, तरीक है सोमवार से रविवार। अगर आप किसी वीक में स्ट्रीक करना भूल जाते हैं तो क्या होगा, आपकी वीकली स्ट्रीक 0 पर रीसेट हो जाएगी, आप 3 नए कंटेंट बनाकर फिर से स्ट्रीक शुरू कर सकते हैं। एक बार अगर आपकी टूट भी गई आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा कंटेंट बनाना पड़ेगा, तो आपका जो है दोबारा चालू हो जाएगा। उसके बाद कम से कम 3 पोस्ट हर वीक आपको बनानी पड़ेगी। उसके बाद मैं हर रोज़ 3 पोस्ट कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आप पहले से बहुत अच्छा कर रहे हैं इसे जारी रखें, सुनिश्चित करें कि आप हर वीक इसे जारी रखें। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद अपनी स्ट्रीक बनाए रखने के लिए कुछ सुझाव, अब आपको कुछ जो है सजेशन दे रहे हैं शेयर चैट वाले, आप अपनी पसंद खोजें उसे जारी रखें, अपनी पसंद की पोस्ट जो है वो बनाएं उसे डेली बनाते रहें, शानदार कंटेंट कैंपेन और आइडियाज़ के लिए नियमित रूप से क्रिएटर हब चेक करते रहें। जी हाँ दोस्तों, और ये जो फीचर है उन्हीं लोगों को मिला है जो दोस्तों शेयर चैट पे वेरीफाई हैं। ठीक है, उसके बाद हर दिन एक्सप्लोर पेज को चेक करें और ट्रेंडिंग हैशटैग में भाग लें। जी हाँ दोस्तों, ट्रेंडिंग हैशटैग का जो चैलेंज आता है आप सब लोगों को उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। और लास्ट में नियमित रूप से नया मोशन वीडियो टेम्पलेट देखें और इसे इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, हर रोज़ एक नया दोस्तों, या फिर हर रोज़ नहीं 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो भी नया दोस्तों मोशन वीडियो आती है आप उसे देखें। वीकली और डेली दोनों स्ट्रीक्स के स्कोर की गिनती 4 अप्रैल सोमवार 2022 से शुरू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो काउंटिंग होगी जो है 4 अप्रैल से जो है शुरू कर दी जाएगी, ये जो काउंटिंग आपकी जो है आगे से आगे 4 अप्रैल से बढ़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने जो है शेयर चैट स्ट्रीक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान ली होगी। तो अभी हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन आई है और मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे जैसे जो माइलस्टोन है इसके हिसाब से शेयर चैट आपको आगे और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगा। इस प्लेटफॉर्म को छोड़े नहीं, इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें, क्योंकि दोस्तों इंडिया का प्लेटफॉर्म है, आगे जाके आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।